बिहार में लोग एक धर्म संकट में, क्या दोबारा कोई केजरी तो नहीं? हमेशा सत्ता से नाराजगी तो होती है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये नीतीश और लालू से लोग तंग आ चुके हैं। सुशांत किशोर को उसमें तीन चार लोग बड़े प्रायोजित, मैं मेडिकल अफसर था बिहार सरकार में, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मैं इंजीनियर था मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मैं IIM से था मैं नौकरी छोड़ के आ गया, कि लालू ने लूटा, नीतीश ने लूटा, अब मैं इसको ठीक करूंगा, तो तुम तो उससे ज्यादा दुगनी गति से लूटोगे। इससे कोई पूछे कि तुमको शर्म नहीं आया, जब तुम इतने बड़े भ्रष्टाचार के विरोधी थे, तुम उस ममता बनर्जी को लड़ा रहे थे चुनाव, ये जीत जाए, वो जगन मोहन रेड्डी जिसको जनता ने साफ कर दिया, उसको 5 साल पहले तुमको पैसा मिल रहा था, तो तुम उस महाभ्रष्ट जगन मोहन रेड्डी को लड़ाने पहुंच गए। बिहार में जमीन पे घूमा, अपने आप की तुलना एक गांधी से करता है बार बार, आपको याद होगा केजरिया भी गांधी से तुलना करता, लेकिन अपने पीछे जो है उसने गांधी की तस्वीर हटा दी। हमारे यहाँ हर सरकारी जगह पे गांधी की तस्वीर आज भी लगी हुई है, आज गांधी जयंती भी है, लेकिन केजरीवाल का जो कभी ये जो मार्लेना जो बनी है लेफ्ट लिबरल गिरोह की एजेंडाबाज जो हनुमान मंदिर जाती है, उसके चीफ मिनिस्टर के सरकारी दफ्तर में गांधी की तस्वीर नहीं है, और ये राजघाट पर धरना गांधी बन करके नौटंकी की, वही नौटंकी बिहार में भी हो रही है। अभी मैं नौटंकी कह रहा हूं, बिहार में लोग एक धर्म संकट में हैं कि क्या दोबारा कोई केजरी तो नहीं? हमेशा सत्ता से नाराजगी तो होती है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये नीतीश और लालू से लोग तंग आ चुके हैं, तो उसके लिए विकल्प है, पढ़ा लिखा आदमी है, कई लोगों को लग रहा है कि भाई राजनीति में आने का एक अवसर है, जनसुराज तो शुरू हो गया सर। नहीं मनीष जी, मैं आज उसका वो देखा मैंने, और मैं फिर वही बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ का मीडिया, आप सवाल पूछिए जो सवाल करने चाहिए, वो पार्टी बनाकर इस देश में कोई भी लड़ सकता है, केजरीवाल ने वही कुकर्म किया और वही काम अब बिल्कुल उसी पैटर्न में चल रहा है प्रशांत किशोर, और आज वो बहुत राष्ट्रवादी जो अदालत वाला संपादक, वो उसका ऐसा भजन गा रहा था कि जैसे कोई बड़ा क्रांति हो गई बिहार के अंदर, कि अद्भुत हो जाएगा, बिहार का भाग्य बदल जाएगा। अरे मैं अपने वही सवाल दोहराए देता हूँ, और अगर आप असहमत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर आप असहमत हो कि ये प्रशांत किशोर को उसमें तीन चार लोग बड़े प्रायोजित, कि मैं मेडिकल अफसर था बिहार सरकार में, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मैं इंजीनियर था मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मैं IIM से था मैं नौकरी छोड़ के आ गया, तो मुझको याद आ गया 2011 जिस समय केजरीवाल आया था, तो उस समय बड़े विदेश से भी नौकरी छोड़ के कुछ लोग आए थे, क्यों आए थे वो अब समझ में आ रहा है, कि केवल प्रशांत किशोर से इतना पूछे कि जिस भ्रष्टाचार की बात वो कर रहा है बिहार को, कि लालू ने लूटा, नीतीश ने लूटा, अब मैं इसको ठीक करूंगा, तो तुम तो उससे ज्यादा दुगनी गति से लूटोगे। इससे कोई पूछे कि तुमको शर्म नहीं आया, जब तुम इतने बड़े भ्रष्टाचार के विरोधी थे, तो तुम उस ममता बनर्जी को लड़ा रहे थे चुनाव, ये जीत जाए, केवल तुमको पैसा मिल रहा था, तो केवल तुमको कोई फीस मिल रही थी, तो तुम महाभ्रष्ट ममता बनर्जी को चुनाव लड़ाने पहुंच गए, वो जगन मोहन रेड्डी जिसको जनता ने साफ कर दिया, उसको 5 साल पहले तुमको पैसा मिल रहा था, तो तुम उस महाभ्रष्ट जगन मोहन रेड्डी को लड़ाने पहुंच गए, वो स्टालिन उसको तुम पैसा मिल रहा था, तुम पैसा लेके उससे उस महाभ्रष्ट जगन मोहन स्टालिन को लड़ाने पहुंच गए, और तो और तुम उस कांग्रेस जिसके नाम पे लोग थूक नहीं रहे थे उत्तर प्रदेश में, जिसकी 7 सीटें आई, यहां पर भी तुम कोई कह रहा था 100 करोड़ लिए, कोई कह रहा था 500 करोड़ लिए, उसको पैसा लेके तुम 100 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, पैसा लेके तुम उस कांग्रेस को सौंपने इस देश की प्रदेश की सत्ता आ गए थे, कि हम राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बना देंगे या प्रधानमंत्री बना देंगे, तुम पैसा लेके उस भ्रष्ट महाभ्रष्ट राहुल गांधी कांग्रेस के भ्रष्टाचार कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं, मैंने पूरी किताबें लिखी है उसके ऊपर, तो उस महाभ्रष्ट को इसको कहीं नहीं ले जाता, तो इसका केवल एक उद्देश्य है कि पैसा कमाना, तो ये आदमी आज जनता के बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने आया है, अन्यथा जो आदमी आता उसका जो पिछला जो उसने कर चुका, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बड़ा बेईमान है, ये बेईमानी करके आया है और लगातार करके आया है, पिछले 10 साल का इसका इतिहास है, वो नरेंद्र मोदी को इसने 2014 में मैं क्योंकि उस कैंपेन में मनीष जी मैं था, और मेरी इससे 2014 में मुलाकात हुई थी, मैं बता चुका हूं पहले भी कि प्रधानमंत्री मोदी के बनने से पहले जनवरी 2014 में एक कैंपेन हुई, एक कार्यक्रम था, उसमें मैं भी गया था, मुझको वहां मिला था, तो ये बिल्कुल अकेला खड़ा था, मैंने इसके साथ ही चाय पी थी, तो उस समय इसको कोई जानता नहीं था, ना इसको कोई बड़े महत्व दिया जा रहा था, लेकिन ये गजब का अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाला व्यक्ति है, जिस समय मोदी जीते तो इसने ऐसा प्रोजेक्ट किया जैसे इसी की बदौलत जीते, जैसे यही जीता के लिए आया, तो इसको शर्म नहीं आई कि उसके बाद 2015 में तुम उसी लालू और नीतीश की जोड़ी को जिता रहे थे, जिसको तुम बता रहे हो कि उन्होंने लूट लिया, तो क्या 5 साल में लूट लिया? लालू तो 1990 से लूट रहा था बिहार को,
लेकिन 1990 से लूटा पूरे 2015 तक, यानी 25 साल जो बिल्कुल सर्टिफाइड लुटेरे थे तुम्हारे हिसाब से, तो तुम्हारे बुद्धि नहीं थी, तुम्हारी आंखें नहीं थी, तुम्हारे अकल नहीं थी, तब तुम पूरी जोर लगा के बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है तुम, क्योंकि तुमको पैसा मिल रहा था, तो पैसा जब मिल जाए तो तुम लालू यादव वैसे महाभ्रष्ट और लालू यादव वैसे 5 दफे के सजा याफ्ता को तुम उसको सत्ता सौंपने के लिए रात दिन एक कर देते हो, और आज तुम आगे बिहार में ईमानदारी की बातें कर रहे हो, तो वो जो बेवकूफ जो आज आए थे कि मुंबई तो प्रशांत कुमार बदल देंगे, तो मैं मेडिकल अफसर हूं, मैं इंजीनियर, तो उनके भी आंखों में पट्टी बंधी है, या उनकी उनके उनको अपनी जगह बुद्धि की जांच करानी चाहिए किसी पागलखाने में, कि जो आदमी 25-25 साल के सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी को बिहार की सत्ता जिसने सौंपवाई 2015 में, उसको बताने के बड़ा ईमानदार है, ये बड़ा बिहार सुधार देगा, अरे बिहार को ज्यादा ज्यादा बेरहमी से और ज्यादा बेशर्मी से लूटेगा ये आदमी, तो इस आदमी से सावधान रहिए, बाकी बिहार की जनता को फैसला करना। मेरे जो सवाल हैं, अगर प्रशांत किशोर हो तो प्रशांत किशोर आ जाए मनीष ठाकुर शो में, मेरे यही सवाल है, जरा इसका जवाब दे दे, या किसी मंच से जवाब दे दे कि तुमको लालू को लड़ाते समय चुनाव तुमको शर्म नहीं आई थी बिल्कुल, कि हम क्या कैसा विश्वासघात इस प्रदेश की जनता के साथ कर रहे हैं, तुम ममता बनर्जी को लड़ा रहे थे, तुम जगन मोहन रेड्डी को, तुम स्टालिन को, तुम राहुल गांधी को, ये सब भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय हैं और उनको देश की जनता ने नकार दिया, लेकिन तुम पैसा लेके उनका जय जयकार कर रहे थे, उनका झाल बजा रहे थे, और आज तुम बिहार में आए हो कि हम पूरा सब यहाँ सुराज कर देंगे, तो ये केजरीवाल पार्ट टू, लेकिन केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक। देखिए पिछले दिनों जब हम लोगों ने शो किया था प्रशांत किशोर के ऊपर, तो प्रशांत की टीम से फोन आया था अपने पास, मैंने आपसे साझा भी किया था, शो में भी चर्चा की थी कि आपको अवसर दिया जाता है, आप आइए बिहार, आपको प्रशांत जी के साथ किसी किसी गांव किसी शहर को घूमिए, मतलब इन्हें अपने बारे में एकदम से सुनने का, जब इनसे लोग केजरीवाल की तुलना, और आप देखेंगे सर कोई भी यूट्यूबर, चाहे वह रजत शर्मा आया, रजत शर्मा ने भी आपकी अदालत में इससे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी तुलना अरविंद केजरीवाल से की जाती है, महत्वपूर्ण सवाल ये है, कोई इस टॉपिक पे उससे सवाल नहीं किया, कोई यूट्यूबर आमतौर पे जिस जिसको इंटरव्यू दिया गया, लेकिन इसीलिए ये लगता है कि क्या एक खतरनाक खेल तो नहीं है दिल्ली की तरह केजरीवाल की तरह, ये डर लगता है इसलिए। और इसके ऊपर तो क्योंकि केजरीवाल का तो बैक नहीं पता था, इसका तो बैक पता आपने पूरा विस्तार से बता दिया, ये कांग्रेस को जितवाया, जिस नीतीश कुमार के बारे में तुम शराब नीति का विरोध करते हो, आते ही हम शराब खत्म कर देंगे, तुम जब शराब उसके मंत्री एक तरह से कैबिनेट हिस्सा लिए हुए थे, तुम ही मुख्य सलाहकार थे नीतीश के बाद, सबसे पावरफुल थे, तो तुमने क्यों नहीं शराब खत्म कर दिया। जिस लालू के लिए तुम कह रहे हो कि बेटा जो है लालू तो बहुत अच्छे बाप है, पता नहीं क्या क्या कहानी गढ़ते हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कई बार लगता है कि प्रशांत किशोर को पता है कि यादव वोट 2-4% भी बिहार में भटका नहीं है, उसे पता है कि ये वोट नहीं भटकने वाला है, तुष्टीकरण का वोट एक पर, जब बीजेपी ने सब कुछ दे दिया तब तो तुष्टीकरण का वोट भटका ही नहीं, इसे कौन दे देगा तुष्टीकरण का वोट, कह रहा है कि तुष्टीकरण का वोट मिलेगा। और बता दूं मनीष जी जरा इसके थोड़े और कपड़े में ठीक करूं कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान ये पप्पू यादव से 2 घंटे की इसकी बड़ी सीक्रेट मीटिंग हुई थी, बड़ी चर्चा हुई थी कि बंद कमरे में पप्पू यादव के साथ कुछ डिस्कशन हुआ, और बाहर निकल के बता रहा कि ये तो ऐसे मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात थी, तो जितनी सिद्धांत की बातें जितनी ज्ञान की बातें कर रहा है मंच के खड़े होके, उस टाइप का आदमी 1 सेकंड नहीं पप्पू यादव के साथ नहीं खड़ा होगा, और उसके साथ 2 घंटे बंद कर कमरे में चर्चा कर रहा था, तो सोच लीजिए कितना बड़ा राजनीतिक ठग, कितना बड़ा राजनीतिक बहुरूपिया आया है बिहार को, तीसरा कोई आया है कि बिहार को लूटा जाए। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि ऐसे लुटेरों को अब वो संरक्षण देती है कि नहीं देती है। बिल्कुल बिहार की जनता के पास भी है कि कई लोग घबराए हुए, हमारे पास विकल्प नहीं है, हम चाहते कुछ नया, लेकिन नया में आप जहर थोड़ी खा लेंगे, आत्महत्या थोड़ी कर लेंगे, एक बीच आप उसके अतीत को भी तो देखेंगे कि जिसका वो विरोध कर रहा है उसे उसमें ऊर्जा भरने में कितनी बड़ी भूमिका उसकी है। तो ये आपको तय करना है, बिहार को तय करना है।